आज हम ग्रह ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इनका राशियों से अटूट संबंध है। गुरु, जब बृहस्पति लगन में या प्रथम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, लंबी आयु वाला होता है, ज्योतिष में विश्वास रखता है, तेजस्वी होता है, साफ सुंदर शब्दों में कहता है, सुंदर होता है, पुत्रवान होता है, धनवान होता है। बृहस्पति द्वितीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति मीठा बोलने वाला, संपत्ति वाला, सुंदर शरीर वाला, सदाचारी और पुण्य आत्माओं की तरह कार्य करता है, भाग्यवान भी बहुत ज़्यादा होता है। तृतीय भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों को जानने वाला, बहुत सारे भाई बहने वाला, आस्तिक होता है। चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो ऐसा व्यक्ति शौकीन मिजाज वाला, सुंदर देह वाला, आराम पसंद करने वाला, ज्योतिषी और बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, सरकार के द्वारा सम्मान पाता है, माँ से अत्यंत प्रेम करता है और भवन वाहन से युक्त होता है। पंचम भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो ऐसा जातक नीति निपुण होता है, लोकप्रिय होता है और कुल में श्रेष्ठ होता है। छठे भाव में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते। जब छठे भाव में बृहस्पति होते हैं तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा दुखी रहता है, निराशा बहुत मिलती है। वैसे तो मीठा बोलने वाला होता है लेकिन कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाता। सप्तम भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो ऐसा जातक सुंदर होता है, सबर संतोष वाला होता है, भाग्यवान होता है, तीर्थ यात्रा को पसंद करता है और घर का मुखिया बना होता है। अष्टम भाव में यदि बृहस्पति हों तो ऐसे जातक की आयु तो लंबी होती है लेकिन जीवन भर दुखी रहता है। नवम भाव में बृहस्पति हों तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, पुत्रवान, बुद्धिमान, तपस्वी और वेदों को जानने वाला, भाग्यवान और घर गृहस्थी से मोह ममता दूर रहती है ऐसे व्यक्ति की, प्रचुर संतान वाला होता है। दसवें भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाला, प्रसिद्ध, सम्मानित, सदाचारी, पुण्य आत्मा, चतुर चालाक, ज्योतिषी, सच बोलने वाला, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है और माता पिता का भक्त होता है, धनी भी बहुत ज़्यादा होता है। बारहवें भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो ऐसा व्यक्ति सफल व्यवसायी होता है, धनवान होता है और दानी भी बहुत ज़्यादा होता है। द्वादश भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कम बोलने वाला और हमेशा दुखी रहता है।